प्रियंका टिबरवाल जी, सवाल अब आपसे इस वजह से है क्योंकि चाहे टीएमसी की प्रवक्ता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता हूं, सतीश जी हूं, ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम आपके नेता करते हैं, तमाम भड़काऊ बयान देते हैं और आप खुलकर हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। आपकी भी तो केंद्र में सरकार है ना, जिम्मेदारी है ना कि स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। कम से कम ऐसी अपील आप लोग कर दें कि शांति बनाए रखें, हिंदू मुसलमान करने से ज्यादा। हम तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे, मगर जब आप किसी के सर पर तलवार रख करके एक मुख्यमंत्री कहती हैं कि राम कहने वाले हर कोई राइटर्स हैं, ये अभी कहा है 2 घंटे पहले ममता बनर्जी ने कि राम और वाम जो है वो दोनों मिलकर एक हो गए हैं और जो लोग राम करते हैं वही लोग राइटर्स हैं, यानी वही दंगावादी हैं। तो ये बात एक मुख्यमंत्री खुद कहती है जबकि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, किसने क्या किया वो पकड़े तक नहीं गए हैं, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण दिया, संरक्षण दिया और ये भी कह दिया कि भाई उनको आप संभाल के रखिए, उनके ऊपर कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि वो मेरे दूध देने वाली गाय है, उनकी तो हम लात भी खाएंगे। ये मुख्यमंत्री के बयान है, मेरे नहीं। तो ऐसे राज्य में आप कैसे सोच सकती है कि हिंदू सुरक्षित है, क्योंकि जिनको पकड़ा जा रहा है, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसमें से 99% जो है हिंदू घरों से लड़कों को उठाया जा रहा है जबरन, जिन्होंने प्रियंका जी एक फोटो जूही जी भी दिखा रही हैं उस शख्स की जिसे आज बिहार से गिरफ्तार किया गया है, सीधे सीधे उसका ताल्लुक बीजेपी से बताया जा रहा है और ये बात कही जा रही है टीएमसी की तरफ से कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए हम तो यही पूछना चाहते हैं कि कल्याण बनर्जी के जो खास है जिनकी फोटो हर जगह रामनवमी की रैली में दिख रही है वो क्या करने गए थे वहां दंगा भड़काने, क्योंकि ये सरकार जो है इन्होंने सागर डिगी के इलेक्शन में जो इनकी हालत हुई है, मैं आपको 3 चीजें बताती हूँ स्पष्ट कि क्यों मुसलमानों को खुश करने की ये जो है पूरी काम टीएमसी कर रही है, क्यों चल रहा है। देखिए 3 बहुत स्पष्ट चीजें हैं। सबसे पहला, अनीस खान बोल करके जो स्टूडेंट लीडर था मुसलमानों का लड़का, उसका मर्डर करती है पश्चिम बंगाल की पुलिस, जिससे मुसलमान वर्ग पूरा जो है वो क्रोधित हो उठता है ममता बनर्जी के अगेंस्ट में। सेकंड जो हुआ था बीरभूम में बक्तुई कांड, उस बक्तुई कांड में टीएमसी के लीडर जो है वो शामिल थे, मुसलमान ही आरोपी थे, मुसलमान ही पकड़े गए और वही टीएमसी के लीडर जो है उस सीआईडी के उसमें सुरक्षा में उनका खून हो जाता है, उसको लेकर के पूरा मुस्लिम समाज जो है वो इनका विरोधी हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं। और तीसरी जो है आईएसएफ के जो सिद्दीकी है एमएलए, उनको अरेस्ट किया गया जिससे पूरा मुस्लिम समाज जो है टीएमसी के अगेंस्ट खड़ा हो गया। उसका रिजल्ट सागर डिगी इलेक्शन में आपको देखने मिला, तब से ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर को हटा दिया। आप इतने गंभीर आरोप लगाए तो मैं जवाब भी ले लूं। राजू जी, मैं कुछ टाइम, 2 मिनट मेरे को बोलने के लिए मौका दीजिएगा। मैं पहले पूछना चाहूंगी जी, सुमित शॉ जिन्होंने रिवॉल्वर लेके रामनवमी के दिन जो वहां पर यात्रा कर रहे थे बीजेपी के वर्कर, तो उनको कौन से राम नाम के, हम सभी राम का, राम हमारे देवता है, हम आस्था रखते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। आप लोगों ने डिप्लॉय किया दंगा करवाने के लिए, ये जो रिवॉल्वर लेके जो घूम रहे थे बीजेपी रामनवमी के टोटल, मैं तो बोला हूँ विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद जल्द से जल्द एक डेफामेशन का केस फाइल करे ममता बनर्जी पे, क्योंकि उन्होंने झूठा वीडियो रिलीज किया। अब आपके टाइम पे बात नहीं की, आप भी सभ्यता बजाय रखे ना, तो हम लोग एक एक करके बात करनी है, सबको सुनाई नहीं जाती है। एक मिनट, एक थोड़ा दो मिनट के लिए चुप रहिए प्लीज। हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप लोग इस दंगा में मदद नहीं किए तो अच्छा है, आप दंगा के बाद बोल देते आपके कोई लीडर, आपके स्टेट प्रेसिडेंट, आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने वो वीडियो वायरल करके ये बताया कि इनका वीडियो झूठा है, झूठे हैं। ममता बनर्जी एक नंबर झूठी है और अभिषेक बनर्जी उससे बड़े झूठे हैं, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद जो है उस पर डेफामेशन का केस करेगा और विश्व हिंदू परिषद को ये केस करना चाहिए। बैठे बैठे इन्होंने झूठ बोला था, परमिशन नहीं थी, अभी मैंने आपको दिखाया कि परमिशन थी, भी बयानबाजी आप डिसाइड कर लीजिए आपने परमिशन दी थी कि आपने परमिशन नहीं दी थी। मैडम आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, आप शुरुआत में कहती हैं आपने परमिशन नहीं दी, अब आप कह रही हैं आपने परमिशन दी थी। आप डिसाइड करिए मैडम, आप डिसाइड करिए परमिशन दी थी कि नहीं दी थी, उसके बाद में आपसे अब चर्चा कर पाऊंगी। आपने तो मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। परमिशन इन लोगों ने नहीं लिए, एक भी परमिशन इन लोगों ने नहीं लिए। अच्छा अब चलिए ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।